अच कर ले तू वादा पहले लिख दे पराडा, नहीं तो दूरो दूरो, नहीं तो दूरो दूरो, नहीं तो दूरो दूरो तक दा रही। क्या बात है, मुझे पंजाबी आती है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आलिया बी एंड दिस इज द बीटीएस ऑफ द सॉन्ग प्राडा। जब प्राडा मैंने पहली बार सुना था, आई वॉज़ वेरी एक्साइटेड, क्योंकि जब मैंने लैम्बोर्गिनी पहली बार सुना था तो मैं ऑब्सेस्ड हो गई वो गाना से। मैं बार बार लैम्बोर्गिनी गाड़ी में सुनती थी, वर्कआउट करते समय सुनती थी, रैंडमली बाथरूम में डांस करते समय सुनती थी। इट वॉज़ माई फेवरेट गो टू सॉन्ग। व्हेन द अपॉर्चुनिटी केम, जब दूरबीन ने मेरे मैनेजमेंट से कनेक्ट किया और उनसे पूछा कि क्या मैं ये गाना करना चाहूँगी, तो मैंने इंस्टेंटली पहले तो हाँ बोल दिया और मैंने ऑब्वियसली बोला कि मुझे पहले गाना सुनना है। सो फर्स्ट आई हर्ड द सॉन्ग व्हिच आई लव्ड एंड देन ऑफ कोर्स आई सेड दिस इज समथिंग दैट आई हैव टू डू। जब मैंने ये गाना सुना, आई न्यू दैट द फर्स्ट पर्सन दैट केम टू माई माइंड, आई वाज लाइक वी हैव टू हैव बॉस्को कोरियोग्राफ दिस सॉन्ग, क्योंकि इस गाने में इतना इनहेरेंट नेचुरल स्वैग है विच यू नो इज बॉस्को ऑल द वे। तो बॉस्को को हमने अप्रोच किया एंड बॉस्को वाज वेरी एक्साइटेड। कंसेप्चुलाइज करते समय हमने एक टीम को लिया, क्रवेक्सा, विकी एट द हेड ऑफ क्रवेक्सा वाज कंसेप्चुलाइजिंग द होल पार्ट ऑफ द सॉन्ग अलोंग विद बॉस्को। वी वर्क्ड सो मच टुगेदर एंड वी शेयर अ ग्रेट वाइब। शी हैज गॉट दैट होल वाइब व्हिच इज एफर्टलेस, सो हर डांसिंग लुक्स वेरी कूल, वेरी चिल्ड आउट। Alia is the perfect choice to feature in this and I think she's doing a fantastic job. She's extremely hardworking and more than that, I think she's such a cool person to work with because she's a fearless performer. So when I walked onto set, main genuinely surprised thi. The whole concept of that cage, which was like this glass kind of like this cage that I was in. तो उसमें हमने बहुत play किया lights के साथ, smoke के साथ, there was a reveal. Then there was a whole section where जब मैं chair पे बैठी थी, उसमें there was like a projector screen, उसका that light was coming on to me. So it was like you can see there's a little bit of a gradient, sort of some like feels like there's some texture on all our faces, just me and the girls, और हम लोग ऐसे chair पे बैठे थे. And then there was this van which was lots of fun, क्योंकि I was just sitting in that van and being like a boss and the camera was coming to me, और मैं camera पकड़ रही थी और camera को दूर फेंक रही थी. मैंने Bosco को बोला था कि Bosco choreography हम simple रखते हैं, you know, don't make it too complicated and all. Yeah, we'll keep it very simple and all. One day before the shoot, I have gone for rehearsals and Bosco has given me this proper hook step. जो आई नो लगता थोड़ा सिंपल है, बट फॉर मी इट वॉज लाइक अभी ये थोड़ा सा लर्न करना है मुझे. सो आई एक्चुअली लर्न दैट होल थिंग इन एन आवर, विच इज़ वेरी न्यू फॉर मी, क्योंकि यूजली मैं बहुत ज़्यादा रिहर्सल्स करती हूँ, ये नहीं पिक्चर का स्मॉल स्टेप. बट द पॉइंट वॉज कि मुझे मज़ा आ रहा था वाइल आई वॉज शूटिंग द सॉन्ग, वाइल आई वॉज ऑन सेट, जब मैं गाना गा रही थी, द होल वाइब वॉज वेरी ईजी, अ लॉट ऑफ फन. मैंने सुना था कि ओंकार और बाबा बहुत शाय है, बहुत नर्वस है गाने को लेकर, स्पेशली मुझे मिलने को लेकर काफ़ी नर्वस थे. सो आई वॉज लाइक वाई आर दे गेटिंग नर्वस एंड ऑल ऑफ दैट. सो आई मेट देम ऑन सेट. मैंने ऑलरेडी शूटिंग शुरू कर दिया था, उनका कॉल टाइम थोड़ा लेट था, दे केम दिस एट एंड दे वर जेन्युइनली वेरी वेरी शाय, विच आई स्टिल टीज देम अबाउट टुडे. आई सेड यू नो यू डोंट हैव टू बी सो शाय अराउंड मी, बट दे वर वेरी वेरी शाय, इट वॉज क्वाइट स्वीट. देन आई वेंट फॉर अ चेंज, और जब मैं चेंज के बाद वापस आई, हमारा सेक्शन था साथ में, व्हेन आई कम एंड आई पुश देम, हम लोग ऐसे डांस कर रहे हैं ऑल ऑफ दैट. कुछ ज़रूरत नहीं थी उनको इतनी एक्टिंग करने की, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे, नेचुरली स्वैग आ रहा था. बॉस्को को हमेशा माइक के पीछे ये टू कीप से कनेक्ट विद आलिया, कनेक्ट विद आलिया, इंटरेक्ट विद आलिया. दे वर नॉट इंटरेस्टेड, नो दे वर इंटरेस्टेड, बट दे वर इन देयर ओन स्वैग एंड देयर एटीट्यूड सो मच. दे एक्चुअली आई टोल्ड देम, आई सेड सब बकवास कर रहे हो कि नर्वस हो और कुछ पता नहीं है, नॉट दे नो एवरीथिंग ब्रिलियंटली वेल, बिकॉज दे आर द रियल पॉप स्टार, दे आर एक्चुअली सिंगर्स, और उन्होंने ये गाना कंपोज किया है, तो स्वैग उनके रग रग में है. एंड आई रियली रियली थिंक दैट दे आर वेरी वेरी टैलेंटेड एंड आई थिंक दैट दे विल गो वेरी लॉन्ग वे. सबसे अच्छी चीज़ ये है इस गाने के अंदर कि जो दो मेन लड़कियाँ हैं उनकी वजह से गाना इतना बढ़िया है. एक तो हमारी सिंगर श्रेया और दूसरी वीडियो के अंदर जो है आलिया मैम. And I, she looks so stunning. She has such a great energy and such, you know, a great attitude that
she just makes the whole song. So do you guys, but she really makes the song. Really happy to have Alia ma'am in the video. So that's but she makes the song more than both of you. I love you guys. I love you. We love you too. Okay, so this was the BTS of the Prada song. मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया ये गाना शूट करते समय और ये मेरे लिए एक नया एक्सपीरियंस था इसलिए मुझे लगा कि it is very important that I share this new experience with you guys. So I hope you guys like it. Okay, so before I sign off, guys, I have some very important information for you. I am very very close to hitting a 1 million subscribers on my YouTube channel. Yay! और इस खुशी के मौके पे मैंने decide किया कि मैं आप लोगों के साथ celebrate करूँगी. In what form? Question and answer. तो आप एक काम करना इसी वीडियो पे leave a couple of questions for me. Anything you can ask me with the hashtag Alia B next to your question. मैं कुछ questions को select करूँगी. I'll answer them. Make a whole video out of it. And a select few जिनके questions मुझे actually ज़्यादा पसंद आए. So keep them creative, guys. A select few will get a chance to win a special present from my side to you. Okay, that's it. And what am I supposed to do? Sign off. Okay, so you know the drill. If you like this video, then like, share, subscribe to my YouTube channel. Toodles.